बच्चा अभी हमारा जो नेक्स्ट टाइप का सम है वो देखिए किस तरीके से क्या पूछा गया है, दैट प्रूव दैट 3 + 2√5, ठीक है, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, वही चीज़ प्रूव करनी है। ओके, अगर गिवन दिया होता है रूट फाइव इज इरेशनल तो ठीक है, नहीं भी दिया है तो इसके पहले में हमने फैक्ट यूज़ किया था, फैक्ट यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 3 + 2√5 शुरू करें, ऐसे एक्साइटेड हो गए कि हाँ अभी तो हमें आता है, ठीक है, अगर आता है ना तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद ही सॉल्व कीजिएगा, फिर मेरे यहाँ पे देखिएगा कि आपके सॉल्यूशन में मेरे में कहीं कुछ चेंज है या हम दोनों साथ साथ ही हैं। तो मैं तो शुरू कर रही हूँ, आपको पॉज करना है वीडियो पॉज कर लीजिए। ओके, तो हम अभी अज्यूम कर लेते हैं पहला वही है कॉन्ट्राडिक्शन, सो लेट्स अज्यूम 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। ओके, रैशनल है तो a अपॉन भी सपोज कर लेंगे हम यहाँ पे, सो देयरफॉर 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, वही हम पूरी कथा लिख रहे हैं जो भी हर एक समय में लिखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ बता रहे हैं, दैट a एंड b आर ऑल्सो को प्राइम्स, सो देयरफॉर HCF ऑफ a एंड b इज 1, डन। चलिए अब हमारा मेन सम शुरू करते हैं, सो 3 + 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन b, क्या टारगेट है, क्या टारगेट है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ, टारगेट यही है मैम कि हमें जो भी रूट में नंबर है उसको तन्हा करना है, तो उसके आसपास जो भी इसके चाहने वाले हैं उसको कहाँ शिफ्ट करना है, इक्वल टू के वहाँ पे कर लें शिफ्ट। चलो अब यहाँ पे तो अपने को दो दो नंबर दिख रहे हैं, एक नंबर दिख रहा है 3, फिर उसके साथ प्लस में दिख रहा है 2, पहले क्या कौन सा उठाएंगे, कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। अगर कभी भी कोई नंबर प्लस माइनस में जुड़ा हो तो सबसे पहले तो उसको शिकार बनाओ, मतलब सबसे पहले तो उसको शिफ्ट कर लो। तो अब यहाँ पे देखो रूट फाइव के साथ ये नंबर 2 जो है मल्टीप्लाई में है और 3 जो है वो प्लस में है, ओके, तो इसका मतलब कि पहले प्लस माइनस वाले नंबर को शिफ्ट करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, वहाँ चला गया, तो क्या आ गया मेरे पास 2√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 3, डन, क्लियर। ओके, अभी भी रूट फाइव अकेला नहीं हुआ है, उसके चाहने वाला अभी तक 2 उसके साथ है, उसको हमें हटाना है वहाँ से। 2 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई, तो जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में होगा तो इक्वल टू वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, सो देयरफॉर √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 3, डिवाइड में आया तो इक्वल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बाहर मैंने 1/2 लिख दिया। ओके, तो जैसे ही हम लोगों ने ये लिख दिया और हमारा नंबर रूट जो है वो अकेला हो गया, फटाफट से इक्वेशन नंबर 1 दे दो और क्या लोगे, गहरी सांस, इतना ख़त्म। तो अब क्या है इसके अंदर, a अपॉन b पता है रैशनल नंबर्स है, ओके, सो एज वी नो दैट a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर, सो देयरफॉर अब a अपॉन b रैशनल है, उसके साथ कोई भी नंबर प्लस माइनस में होगा, कौन सा नंबर, रैशनल इटसेल्फ, तो रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल ही आएगा, सो देयरफॉर a अपॉन b माइनस 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पर, रैशनल माइनस रैशनल नंबर लिख दीजिएगा आप, इज इक्वल्स टू रैशनल, डन। अच्छा, अब इसके साथ, इस पूरे के साथ 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो हमने कौन से में देखा था कि रैशनल नंबर्स के साथ अगर कोई भी रैशनल नंबर डिवीजन में जाता है देन ऑल्सो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, रैशनल नंबर। मैंने कंडीशन कहा था कि डिवीजन में 0 कभी नहीं होना चाहिए, पर है भी नहीं। देखिए ए और बी हम लोग बोल रहे हैं कि इंटीजर्स हमें b नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमने खुद ने ही बोल दिया b नॉट इक्वल टू 0 है, और जो नंबर 2 डिवाइड कर रहे हैं वो तो 2 है ना, 0 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि 0 तो किसी भी हालत में डिवीजन में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ लिख देते हैं,
that a upon b minus 3 divided by 2 is also rational number. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा इक्वल टू वाला पोर्शन रैशनल नंबर है. अब इस इक्वल टू के बराबर क्या है, रूट फाइव, तो रूट फाइव भी क्या हो गया, रैशनल हो गया. सो देयरफोर रूट फाइव इज ऑल्सो रैशनल नंबर. क्यों रैशनल नंबर है, इक्वेशन वन में देख लीजिए बराबर में है, डन दत दे रहेगी. ये क्या किया हम लोगों ने, फिर से गलत अज्यूम कर लिया. क्योंकि फैक्ट तो क्या है, फैक्ट तो ये है कि रूट फाइव जो है वो इरेशनल नंबर है, और हमने तो गलत अज्यूम कर लिया. फिर से माफ़ी मांगो, चलो माफ़ी मांगो अभी सबसे. तो फिर से हम शुरू करेंगे यहाँ पे माफ़ी का सिलसिला. क्या होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर. सो देयरफोर आवर अजम्पशन इज फॉल्स, हमने गलत बोल दिया. सो वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड करेंगे, वही कंक्लूड करेंगे दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. बिंगो, दैट्स इट. आसान लग रहा है ना सम, मैंने कहा था ना बहुत आसान है, हलवा हलवा ऐसे अच्छे से खा लो ऐसे मस्त, तो 3 मार्क पक्के, डाल दो जेब के अंदर, किस बात की टेंशन है. यहाँ पर हमने एक और टाइप जो है वो फिनिश किया. आई होप, मुझे आशा है, और नहीं आशा नहीं, मेरे को यकीन ही है ठीक है कि आपको समझ में आ चुका होगा. फिर भी कहीं पर कुछ भी डाउट लगता है, चैटबॉक्स आपके लिए है, आप ही के लिए ये चैटबॉक्स, आपको जो पूछना है पूछिए, मैं आपकी क्वेरीज, आप जितना होगा जल्दी उतना आपके क्वेरीज को मैं सॉल्व करूँगी. तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सम. एक और सम देख लें, एक और लास्ट टाइप का एक सम बच गया, एक और वैरायटी बच गई इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं. ताकि ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा कि जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जिस टाइप के सम्स पूछे जाते हैं इरेशनल के, अगर हम वो सारे टाइप फिनिश कर लेंगे तो एग्जाम में कुछ भी पूछ लो हमें क्या टेंशन है, हमने तो अच्छे सीखा हुआ है, आराम से आंसर दे सकते हैं. तो एक और टाइप अपना बच जाता है, वो भी हम सीख लेते हैं ताकि कुछ भी छूट ना जाए हमसे. बच्चा लोग, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर अगेन हम लोगों को इरेशनलिटी ही प्रूव करनी है. तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर. अब आप कहेंगे मैम आप रुक ही जाइए, पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं फिर आप कीजिएगा. ठीक है मैं रुक जाती हूँ, पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ. ओके, अब यहाँ पे वो चीज़ है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट वाला फॉर्मेशन शुरू नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें सम को मॉडिफाइड करना होगा. क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 9th में देखा हुआ है कि कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में इरेशनल तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो तो है ही नहीं, मतलब आप उसको नहीं रख सकते हो, डिनोमिनेटर इरेशनल. तो इसका मतलब कि यहाँ पे रूट टू जो है वो अपॉन में है, मतलब डिनोमिनेटर में है. तो पहले हमें इसको थोड़ा ठिकाने पे लगाना होगा और इसकी शक्ल थोड़ी सी हमें ठीक करनी होगी. अब यहाँ पे जो आपने ग्रेड 9th में देखा था रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट, वही यूज़ करेंगे और इसको पहले रैशनलाइज करेंगे, फिर हम सम को फॉरवर्ड करते हैं. तो इसके लिए आप वीडियो पॉज अभी मत कीजिएगा, पहले इतना देख लीजिए फिर आप सम शुरू कीजिएगा अपने हिसाब से. तो यहाँ पे आ जाता है हमारा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन सम का, और वो ये रहता है दैट 1/√2 है. तो पहले तो हमें इसको रैशनलाइज करना होगा, पता है हमें कैसे. ठीक है, तो 1/√2 को, उसी नंबर को ऊपर नीचे जो है हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो यहाँ पे आप लिख देनेगा क्या कर रहे हैं हम लोग, रैशनलाइजिंग कर रहे हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. सो देयरफोर क्या हो गया, 1/√2. अब ऊपर वाले नंबर इकट्ठे लिख देने होते हैं, ठीक है, और नीचे वाले नंबर जो है वो इकट्ठे लिख देने होते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/√2 दैट इज रूट टू डन. तो देखिए जो हमारा इरेशनल नंबर था डिनोमिनेटर में, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया रैशनल नंबर के अंदर. अब हम हमारा सम शुरू कर सकते हैं. तो ये थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना रहेगा, ठीक है. अगर आपको कोई भी इरेशनल नंबर
दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो पहले आपको रैशनलाइज करके उसकी थोड़ी शक्ल ठीक करनी होगी और डिनोमिनेटर में आपका रैशनल नंबर आ जाए, आपको इस तरीके से शुरू करना होगा। अब आगे तो वैसे ही हम लोगों को सॉल्व करना है जैसे हम लोग अब तक के सम्स करते आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग हमारा सम ले लेते हैं। क्या है अभी हमारा सम? अभी हमारा सम हो गया रूट टू अपॉन टू। तो हम इसी को ही सपोज कर लेंगे। लेट्स अज्यूम दैट रूट टू अपॉन टू इज रैशनल नंबर। सो देयरफोर रूट टू अपॉन टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। कंप्लीट सेम, ठीक है, कुछ हम नया नहीं लिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे बता देंगे वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो देयरफोर ए एंड बी आर ऑल्सो को प्राइम्स। ठीक है, इसका मतलब कि एच सी एफ क्या हो जाएगा इसका? वन। इतना तो हम लोगों को क्लियर ही है, इतना हम करते ही हैं। ओके, इसके करने के बाद जो हमारा मेन सम होता है उसको हम उठा लेते हैं वापस से। तो फिर से इसको उठा ले रहे हैं हम लोग। देयरफोर रूट टू अपॉन टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी। हमें पता है टारगेट क्या है हमारा, उसके बाद ही सांस लेनी है। क्या टारगेट है? रूट को अकेला करने का। तो यहाँ पे रूट टू है, उसके अपॉन में टू है, तो उसको शिफ्ट करेंगे हम लोग इक्वल टू के वहाँ पे और रूट को हम तन्हा बना देंगे। ओके, तो वहाँ पे जब पहुँचाने के लिए क्या करना है? डिवाइड में है तो इक्वल टू में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन। बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? रूट टू इज इक्वल्स टू टू, ये वहाँ चला गया, तो टू ए अपॉन बी। अब मैंने कहा था जैसे ही आपका रूट का नंबर अकेला हो जाए इक्वेशन में वन लेके सांस ले लो, फिर से वही चीज़ शुरू करेंगे हम लोग। क्या है अब यहाँ पे? वही है कि a अपॉन बी जो है, बट वी नो दैट, हमें सब पता है, क्या पता है कि a अपॉन बी जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर के साथ अगर कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी दूसरा इंटीजर मल्टीप्लाई में जाता है तो वो भी रिजल्ट क्या देगा? रैशनल नंबर। सो देयरफोर 2a अपॉन बी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, तो इसका मतलब ये है, देयरफोर वी कैन से दैट, हम ये भी बोल सकते हैं कि रूट टू जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों? देख लो इक्वेशन वन में, 2a अपॉन बी रैशनल नंबर है, तो इसी नंबर के बराबर जो है वो रूट टू है, तो रूट टू भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। पर ये तो हमें पता है ना, फैक्ट तो क्या है? फैक्ट तो ये है कि रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर है। वी नो द फैक्ट। तो द तेरे की फिर से हम लोगों ने गलती कर ली अजम्पशन करके। अब फिर से माफ़ी मांगो, आ जाओ लिख लेते हैं हमारा माफ़ी वाला स्टेटमेंट। क्या है अभी हमारा स्टेटमेंट? ओके, हमने क्या लिखा? दैट वी कैन से दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो द फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। सो देयरफोर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये एक ऐसा समय जिसमें हर बार हम लोग जानबूझ के गलती भी कर रहे हैं और फिर माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे, हमें माफ़ कर लीजिए। तो इसके लिए गलती करते जाओ, माफ़ी मांगते जाओ, क्योंकि ये एक ऐसी गलती है और ये एक ऐसी माफ़ी है जो आपको 3 मार्क जो है बिल्कुल जेब में ला के दे देगी। तो बिल्कुल आपके यहाँ पे मार्क्स पक्के हो गए, मस्त। तो आई होप कि आपको हर टाइप का और हर वैरायटी का क्वेश्चन जो है वो समझ में आ चुका। इससे ज़्यादा कोई और टाइप जो है वो नहीं पूछने वाले हैं, यहाँ तक ही रहेगा आपका पूरा का पूरा इरेशनलिटी प्रूव करने के नंबर्स। सो मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ बेटा
पहले आप इसके लिंकेड वीडियोस जो हैं जो पहले बना चुके हैं, स्पेशली ये पूरे सीरीज़ का जो पोर्शन है इरेशनलिटी नंबर प्रूव करने का, वो आप जब शुरू से देखेंगे ना, मैं आपको अश्योरिटी दे रही हूँ कि यहाँ तक आते आते ना आपको सारे जो नंबर्स है कैसे प्रूव करने वो यहाँ तक आ जाएंगे, आपको कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। पर प्लीज़ पहले वो वाले वीडियोज़ देखिएगा, डायरेक्टली इस वीडियो पर जंप मत कीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट वगैरह हो फिर भी तो ज़रूर पीछे पूछिएगा, मैं यहाँ पे हूँ आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की। इफ़ यू आर फाइंडिंग दीज वीडियोस वर्दी, काइंडली रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आपके चैट्स और आपके कमेंट्स जो है मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ कोई है अप्रिशिएट करने वाला। सो स्टे ट्यून्ड मी फॉर मोर सच वीडियोस, हम ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे, तब तक अपना ध्यान दीजिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।